सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमीन बनाने की विधि और चार ऐसी महत्वपूर्ण रिएक्शंस आपको बताने वाले हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं मिस करना है। ठीक है, वो चार इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आज इस वीडियो में आप हम जानेंगे, जिसको आपको कॉपी में लिख लेना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आप देखोगे क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, में क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं वो रिएक्शंस। ठीक है, ज़्यादातर तो लास्ट तक बने रहें, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, हम रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद आपको एक बहुत ही दिमाग का ढक्कन खोल देने वाला आपको क्वेश्चन भी कराएंगे एक। ठीक है, देखिएगा लास्ट तक, मज़ा आ जाएगा आज। और ये मेहनत और ये एफर्ट आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी अपने फ्रेंड्स को, हमारे वीडियो और चैनल को जरूर करें। ठीक है, चलो इस वीडियो को आप कर देते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, कॉपी में लिखिए सबसे पहला रिएक्शन वो है आपका हेलो एल्किन के द्वारा। स्टूडेंट्स, हम एमीन बनाएंगे, सबसे पहला रिएक्शन होगा। तो हेलो एल्किन आप सभी जानते ही होता है हमारा आर एक्स, ये हेलो एल्किन होता है। इसे हमें कन्वर्ट करना है एमीन में, मतलब आर एन एच टू में, सिंपल ये एमीन होता है। ठीक है, तो इसको इसमें कैसे बदलेंगे, क्या रिएक्शन कराना होता है, कैसे होता है, देखिए जानिए। हम कराते थे सिंपली अमोनिया से अभिक्रिया, किससे, अमोनिया से, और ये हेलो एल्किन कन्वर्ट हो जाता है एमीन में हमारा, खत्म। ये रिएक्शन इतना ही है आपका। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रिएक्शन है हमारी कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा। स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आप जानते हो क्या होता है पहले से, COOH, ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसको हमें कन्वर्ट करना है एमीन में RNH2 में, सिंपल। रीजेंट क्या लोगे आप, रीजेंट आप लोगे हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, ये N3H इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल लिख लीजिए आप कॉपी में। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे, हमारा बन जाएगा एमीन। और बात करें दोस्तों साइड प्रोडक्ट की, साइड प्रोडक्ट हम आप पर छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आइए हम आपको बता भी देते हैं कैसे साइड प्रोडक्ट लिखा जाता है। साइड प्रोडक्ट हमेशा दोस्तों जो बच जाता है ना उसी से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा RNH2 प्रोडक्ट बन गया, बचा क्या, बचा हमारा ये COOO, ये दोस्तों हमारा रह गया, ये कहाँ गया, ये साइड प्रोडक्ट में बदल गया। COO आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, तो ये साइड प्रोडक्ट आपका एक हो गया। और क्या बचा स्टूडेंट्स, आप जरा नज़र चील की रखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर तीन नाइट्रोजन है, मतलब कि दो नाइट्रोजन बचा, वो N2 बना लेगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी स्टूडेंट्स बताइए साइड प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ का जो साइड प्रोडक्ट होगा वो आप मुझे स्टूडेंट्स कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, हर चीज़ रटना नहीं होता है, कुछ सीखने वाली चीज़ें होती हैं, तो ये कमेंट कर देंगे, आप जान जाएंगे आपको आ गया। आइए हम बढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन की ओर। थर्ड है आपका साइनो एल्किन के द्वारा। देखो साइनो का मतलब होता है स्टूडेंट सीएन, इसका मीन क्या हुआ सीएन। अब साइनो एल्केन है मतलब कि RCN की बात हो रही है, इस RCN से हम कैसे बनाएंगे एमीन, मतलब कि RNH2। ठीक है, तो इसमें जरा लॉजिक है, समझने वाली चीज़ें हैं, ये वाला रिएक्शन समझना है जरा, कि देखिए हमें एमीन बनाना है स्टूडेंट्स, मतलब कि जो आपका चीज़ है R, ये वैसा का वैसा है, C वैसा का वैसा है, नाइट्रोजन में हमें बस दो हाइड्रोजन को जोड़ देना है, समझना है। यहाँ पर एमीन बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, NH2 चाहिए, तभी एमीन हो बनेगा। नाइट्रोजन है बस एक, दो हाइड्रोजन और हमें जोड़ देने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारा एमीन बन जाएगा, बस हमें हाइड्रोजन को जोड़ना है। इसलिए स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में हम क्या कराते हैं, अपचयन करते हैं, इस अभिक्रिया का करते हैं अपचयन। अपचयन का मतलब आप सभी जानते होंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन आके ऐड होता है। ठीक है, और ऐड करने के लिए एक रिजेंट लेते हैं, आप जानते हो ऑक्सीकरण का रिजेंट होता है, अपचयन का रिजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या रिजेंट है, रिजेंट आपको याद करना है, वो होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा, नाम तो ऐसे भी कोई भी देखकर बता देगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड,
लेकिन ये क्या है, ये अपचयन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अपचयन हमें करना था एमीन बनाने के लिए, अपचयन करने के लिए यूज़ में ले लिया सिंपली, ठीक है। और वैलेंसी भी आप पूरी कर दीजिए, कार्बन की यहाँ वैलेंसी पूरी नहीं है, कितने हाइड्रोजन और जोड़ दें, दो, क्लियर, ख़त्म, एमीन आपका बन गया। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा, समझने वाला रिएक्शन था, ठीक है। चलो इस अभिक्रिया में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं दोस्तों, कितने हाइड्रोजन जुड़े ये लिख लीजिए, चार हाइड्रोजन जुड़े, कितने हाइड्रोजन जुड़े, चार हाइड्रोजन आपके इस अभिक्रिया में जुड़े। यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दो चार हाइड्रोजन अपचयन के द्वारा जुड़ गया, क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से आ गया कि नहीं आपको। अब हम आते हैं एक और रिएक्शन जो बचा है चौथा, वो देखते हैं, इसको आप नोट कर लें। उसके लिए हम ये पहला रिएक्शन को इरेज कर देते हैं, देन चौथा जो रिएक्शन है वो आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए चौथा रिएक्शन हेडिंग डाल लीजिए, उसका नाम है हाफ मान ब्रोमा माइड अभी क्रिया। ये देखिए नाम से ही पता चला ये एक नेम रिएक्शन है, नाम अभिक्रिया है, हाँ, और एग्जाम में पूछा भी जाता है स्टूडेंट्स, 2023-24 में आ चुका है। ये रिएक्शन यूज होता है अमाइड को, नाम में देखो लिखा है माइड स्टूडेंट्स, मतलब कि अमाइड को एमीन में बदलने के लिए। अमाइड अगर आपने नहीं देखा तो दर्शन कर लीजिए, ये होता है आपका अमाइड स्टूडेंट्स, ठीक है। CO भी दोस्तों बीच में आ जाता है, RNH2 के बीच में ही देख रहे हो CO फंसा हुआ है। तो इस रिएक्शन में हम सीखते हैं कि कैसे इस CO को गायब किया जाए, इस CO को कैसे गायब करें स्टूडेंट्स, आइए वो सीखते हैं इस अभिक्रिया में। तो उसके लिए हम रिएक्शन कराते हैं इस अभिक्रिया में किसके साथ, ब्रोमीन जल, ठीक है, जल ब्रोमीन गैस और KOH क्षारक का मिश्रण आपका होता है ब्रोमीन जल। कोई पूछे तो बता देना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ब्रोमीन जल क्या है, तो बच्चे सोचते हैं कि ब्रोमीन गैस और H2O इन दोनों को लेंगे तो ये ब्रोमीन जल हो जाएगा, नहीं भाई, जल मतलब H2O हमेशा नहीं होता, R2 KOH होता है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर कहा आप गौर कर लीजिए इसको, बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए कि आप ब्रोमीन जेल की जगह Br2H2O लिखकर दो एग्जाम में, नहीं, Br2KOH होता है ब्रोमीन जेल। चलो अब इस रिएक्शन में हमारा CO गायब हो जाएगा, हमने यहाँ पर आपको बताया, तो आप CO को गायब कर दीजिए, केवल रह जाएगा NH2 स्टूडेंट्स, ठीक है। साइड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट आपका बनता है Br2 पोटेशियम के साथ जुड़ता है, तो दो Br है, दो पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो CO है वह भी पोटेशियम के साथ जुड़कर बनाता है K2CO3, ठीक है। तो यहाँ पर दो चार आपके पोटेशियम हो गए, तो यहाँ चार से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दीजिए, एंड साथ में जल भी बनता है, प्लस में H2H2O बनते हैं, ठीक है, सब बैलेंस है एकदम स्टूडेंट्स ना। चलो हाइड्रोजन भी देखो चार, यहाँ पर दो चार, क्लियर, दो ऑक्सीजन यहाँ, तीन ऑक्सीजन यहाँ, पाँच यहाँ पर, कितने हैं स्टूडेंट्स, एक चार पाँच, सब बैलेंस है आपका, एकदम सही है। तो ये है दोस्तों आपका चार महत्वपूर्ण रिएक्शंस, ठीक है। ये रिएक्शंस में बस थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा, लेकिन हम सभी जानते हैं आप कर लोगे, सिंपल लॉजिक या ध्यान रखना कि दो Br के साथ दो पोटेशियम जुड़ गया, 2KBr बन गया, फिर पोटेशियम और CO मिलकर बना दिए K2CO3, क्लियर, बैलेंस कर दोगे, चार पोटेशियम उधर चार लिख देना, फिर दो जल निकाल देना, ठीक है, ये माइंड में आप फिट कर लीजिए, क्लियर, नोट करेंगे तभी ये चीज़ें माइंड में आपके फिट हो पाएगी, अदरवाइज आप अदर्स की तरह रटते रहोगे हर एक अभिक्रिया। अब हम आते हैं आपके लिए एक बेहतरीन सवाल लेकर, जिसमें आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे अगर आपने उसको अच्छे से देखा, दिमाग लगाकर ध्यान से देखना वो क्वेश्चन, ठीक है। सो आप इसको नोट कर ले, बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर, और वीडियो कैसी लग रही हो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए तो आइए स्टूडेंट्स, हम कोशिश कर रहे हैं आपको दो सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस कराने की, और उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखोगे और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो ये, क्लियर, ये आपका एक कंपाउंड यौगिक है,
आप घबराइएगा मत, ये कंपाउंड है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि इस चीज़ को हम इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है आपका मेरे सामने। ये क्वेश्चन तो चलो कर ही लोगे क्योंकि हमने वहाँ पर लिखा है P2O5 क्या करता है, H2O को रिमूव कर देता है कंपाउंड में से, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपली जो आपका H2O है तो इस कंपाउंड में H2O आप फाइंड करो, H2O तो H2 यहाँ लिखा हुआ है, O आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो H2O निकलेगा तो क्या आपका बचेगा, आपका बचेगा केवल और केवल CN, ठीक है। तो ये हो गया आप कंपाउंड, क्लियर। ये वाला आप बताइए क्योंकि अभी हमने आपको सिखाया था। देखिए आपको क्या करना होगा, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करानी होगी, Br2KOH स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन करानी होगी क्योंकि हमें NH2 बनाना है स्टूडेंट्स, मतलब CO को गायब करना है, और CO को गायब कौन करता है, ब्रोमीन जल करता है, ठीक है। चलो तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, साइड प्रोडक्ट हमें नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, रिएक्शन कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि कार्बन तो चलो है ही, साथ में जो आपका नाइट्रोजन या अकेला है ना इसके साथ NH2 आप जोड़ना है, बाकी क्वेलेंसी पूरा कर दीजिए C2, ठीक है। तो कैसे होगा ये रिएक्शन कैसे होगा, साइनाइड को एमीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो इसके लिए हमें करना होगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन चाहिए, अपचैन करना होगा, और अपचैन करने के लिए कौन आता है, रिजेंट हमने आपको बताया था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये रिजेंट आएगा तो दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देगा, दो हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देगा, ठीक है। अपचैन हो गया, टोटल कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं इस अभिक्रिया में, 4 हाइड्रोजन लग रहे हैं आपके, क्लियर। अगला रिएक्शन देखिए, सीखना है हमें इस क्वेश्चन से, अगर हमें दोस्तों इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करना हो, ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, तो किससे रिएक्शन करानी होगी, कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस एग्जाम में अगर आया कि साइनाइड बेंजीन को आप बेंजोइक अम्ल में बदलो तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, हम करेंगे रिएक्शन विथ एसिड, अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ, ठीक है। अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ, तो अम्ल आप कोई भी ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, और साथ में जल भी ले लेना, वाटर भी, तो ये आपका बन जाता है बेंजोइक अम्ल साइनोबेंजीन से, ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को स्टूडेंट्स हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस COOO को हटाकर हम कैसे यहाँ पर NH2 जोड़ दें, ठीक है, कैसे जोड़ दें स्टूडेंट्स, क्या करें अभिक्रिया। इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से कैसे एमीन बनता है, याद करिए जरा क्या था, पहला था दूसरा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमीन बनाना, क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे हाइड्राजोइक अम्ल से, आपका ये बन गया आपका खत्म। कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, देख रहे हो यहाँ से शुरू किया यहाँ तक पहुँचे स्टूडेंट्स। और ये जो रिएक्शन है वो याद रखिएगा कि P2O5 से जब रिएक्शन कराएंगे तो H2O को रिमूव कर देता है। जैसे एग्जांपल एक और आपको बता दे रहे हैं जिससे अभी क्लियर हो जाए, जैसे ये हो गया CH3CONH2, ठीक है। अगर इसके रिएक्शन हम कराएंगे P2O5 से तो यहाँ पर फिर H2O को निकाल देगा, H2 और यहाँ पर इनको हटा देगा, तो क्या कंपाउंड रह जाएगा, CH3CN, ठीक है, ये कंपाउंड आपका रह जाएगा, क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप कहोगे तो हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में करवाएंगे, कमेंट आप करिएगा अगर आप चाहते हो तो, दिमाग पूरा खुल जाएगा दोस्तों। रिएक्शन जो भी आपने लिखी है ना कॉपी में सब एक ही जगह पर यूज़ हो रहा होगा, ऐसी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हो तो ज़रूर से लेकर आएंगे, एंड ये वीडियो अगर आप पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके एजुकेशन सच के साथ जरूर से ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।